हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चरणामृत, जिसको हम सत्यनारायण भगवान की कथा में जरूर बनाते हैं, बाकी कोई पूजा होती है उसमें भी हम बनाते हैं। तो चरणामृत बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया था। दूध को गर्म करके हल्का गुनगुना रह गया था, तो इसमें हमने थोड़ा सा जामुन डाल के रख दिया था। 5 से 6 घंटे में दही जम गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो देखिए, दही को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, यानी फेंट दिया इसको अच्छे से। अब इसमें हमने मखाना डाल दिया है, तो मखाना हमने बारीक बारीक सा मिक्सी में चला लिया था। आप बारीक बारीक चाकू से भी कट कर सकते हैं। और देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं इसको। अभी आपको लग रहा है कि ये काफ़ी गाढ़ा है, पर अभी इसमें जो चीनी पड़ेगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए अभी अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। तो इसमें हम देखिए 1 कटोरी के करीब ही हम पाउडर शुगर ले रहे हैं। तो पाउडर शुगर लेने का ये मतलब होता है कि जल्दी से मिक्स हो जाता है। आप चीनी भी ले सकते हैं, पर पाउडर शुगर जल्दी से मिक्स हो जाता है, तो इसलिए हमने देखिए पाउडर शुगर ले लिया है और उसको अच्छे से हम मिक्स कर दे रहे हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी पड़ता है, तो दूध जो पूजा होती है उसी टाइम पंडित जी डालते हैं, तो इसलिए हमने दूध बांधने पड़ेगा। तब थोड़ा सा और भी ये हल्का सा अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी लिया है, क्योंकि घी वगैरह हम पहले ही सब पंचामृत बनाने में डाल दे रहे हैं। और इसमें हमने डाल दिया तुलसी पत्ती। तुलसी पत्ती जरूर डाली जाती है जो सत्यनारायण भगवान की कथा में जो हम ये पंचामृत बनाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे शहद, तो 1 चम्मच के करीब करीब हम शहद डाल दे रहे हैं। और साथ में इसमें हम डालेंगे गंगा जल। तो गंगा जल बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, ताकि शहद और घी वगैरह जो हमने मिक्स डाला है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम आधा ग्लास के करीब या आधा कप के करीब हम इसमें गंगा जल डाल रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा देखिए जो हम ये गाढ़ा था वो पतला भी हो गया और अच्छा सा बन भी गया। बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है पानी वगैरह, क्योंकि पानी इस पर ख़राब हो जाता है, बहुत अच्छा भी नहीं बनता है। तो देखिए, ये हमारा चरणामृत बन के तैयार हो गया है। तो अभी जो पंचामृत हमने बना लिया है, उसको हम एक दूसरे बर्तन में पलट करके रख देंगे। आप इसे सत्यनारायण भगवान की कथा है या कोई भी पूजा होती है तो उसमें पंचामृत ज़रूर बनता है, तो आप इसे बनाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।